Hello kids, today we will write English subject. In English subject, we will write two lettered words. First, let's start reading. O, X, ox. O, X, ox. O, X, ox. चलो, अभी कैसे लिखते हैं? How to write ox? First, we will write O. O का कौन निकाला बाहर, उसको ही टच करके हमें X लिखना है. O, X, ox. O, X, ox. Again, first, write letter O, then X. O, X, ox. O, X, ox. अभी सब बच्चे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. आपने O तो लिख दिया, लेकिन N लीव करके ox यहाँ से लिखेंगे. यहाँ से हैंड्स लीव करके एक्स लिखेंगे. तो ये तो रॉन्ग हो गया. ये आपको प्रॉपर दिख रहा है, दिखने में भी प्रॉपर नहीं है, ये रॉन्ग है. हमें यहाँ से एक्स ओ को टच करके ही एक्स लिखना है. देखो टीचर वापस दिखा रहे हैं. फर्स्ट वी विल राइट ओ, देन कर्व करके एक्स. ओ एक्स ऑक्स. O, X, ox. Speak and write. Write. Line concept ध्यान रखना है. Good handwriting से लिखना है. Slowly slowly अच्छे अच्छे handwriting से लिखना है. Fast fast नहीं लिखना है. चलो अभी आ गया तो चलो fast fast लिखते हैं. Fast fast लिखोगे तो आपका handwriting dirty हो जाएंगे. O, X, ox. 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 अभी टीचर ने तो X ऐसे लिख दिया, टीचर ने राइट लिखा है, X तो रॉन्ग लिखा ना. तो टीचर देखो रॉन्ग कर देते हैं. आपको भी ऐसा हो, लिखो और आपका डर्टी हो जाएगी तो आपको इरेजर से रब कर देना है. फिर बाद में वापस गुड हैंड राइटिंग से लिखना है. ओ एक्स ऑक्स. ओ एक्स ऑक्स. ओ एक्स ऑक्स. और जब भी आप लिखो ना तो लाइन में लिखना है. सब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं, लाइन में ही हमें स्टार्ट करना है. ओ एक्स ऑक्स. ओ एक्स ऑक्स. आप लाइन में नहीं लिखोगे तो आपका अनइवन लिखेगा. ओ एक्स ऑक्स. ओ एक्स ऑक्स. ओके, ऐसे ही हमें गुड हैंडराइटिंग से वर्ड फिनिश करने हैं. अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे डिक्टेशन है. तो डिक्टेशन में हम पहले लेटर के डिक्टेशन लिखते थे, लिखते थे ना ए टू जेड लेटर के. लेकिन अभी हमें टू लेटर वर्ड्स के डिक्टेशन लिखने हैं. मामा स्पीक करेंगी और चाइल्ड को, बच्चे को लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. एप. देखो टीचर ने ओनली एप बोला तो हमें पता होना चाहिए कि ऐप कैसे लिखते हैं. ऐप कौन सा वर्ड हुआ, ऐप. एग. हमें पता होना चाहिए टीचर ऐप बोल रहे हैं तो हमें क्या लिखना है. ओके, ऐप. ऐप. एम. आप अपने माइंड में भी बोल सकते हो ऐसे, एम ए एम एम, ऐसे भी आप अपने आप बोल के लिख सकते हो. लेकिन
जोर जोर से नहीं बोलना है आपको, अपने माइंड में बोलना है। एम इज, अभी इज आ गया तो हमें पता चलना चाहिए कि इज में कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। सॉरी, यस यस इज। एट, एड, एड। देखो टीचर तो अपने माइंड में बोल रहे हैं एड लिखने से पहले कि एड में कौन सा लेटर फर्स्ट आता है, कौन सा सेकंड आता है। एड, इफ, इफ, ऑन, ox, ox, eat, eat, an, एन और एन में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, प्रॉपर लिसन करना है कि एन बोल रहे हैं या एम बोल रहे हैं। ओके, ऐसा एस इन, ऐसे ही हमें टू लेटर वर्ड्स मम्मा स्पीक करेंगी और आपको लिखना है गुड हैंड राइटिंग से। ओके, थैंक यू।